सभी लोगों के दिल में एक जिज्ञासा बनी हुई है। आज अगर हमारा टेक्नोलॉजी इतनी प्रगति कर रही है तो आने वाले समय में कितना प्रगति करेगी और हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो दोस्तों, मैं दीपक दीवाना आज आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूँ। कई इतिहासकारों का मानना है कि 2050 में हमारी दुनिया का अंत हो जाएगा, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तक पृथ्वी की आधी उम्र भी नहीं हुई है, तो पृथ्वी के अंत होने की बात ही नहीं आती। कहा जाता है कि 2050 तक हमारा भारत देश इतनी तरक्की कर चुका होगा, अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी हमसे पीछे हो जाएगा, जिसमें चीन सबसे आगे होगा। कहा जाता है कि 2050 तक हमें हर जगह ऑटोमेटिक चलने वाली बसें दिखाई देगी। हालांकि ये बस अमेरिका में अभी कुछ ही जगहों पर चलती है, लेकिन आने वाले समय में ये बस हर जगह दिखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बस से एक्सीडेंट के प्रमाण ना के बराबर हो जाएंगे। अगर भविष्य की बात की जाए तो आज के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस होगी, इतनी एडवांस होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ना ही इसमें कोई पेट्रोल का झंझट होगा, ना ही डीजल का। ये पूरी तरह से न्यूक्लियर पावर पर डिपेंड होगी। 2010 के एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि 2050 के अनुसार भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा, लेकिन इसी के साथ साथ 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरी विभाग में रहने की उम्मीद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी के ये मुकाबले 2050 तक हमें वातावरण में काफी सुधार देखने को मिलेगा। 30 साल बाद भारत में 100 से भी ज्यादा स्मार्ट सिटी बन चुकी होगी। 2050 तक लोगों के लाइफ एक्सटेंसी बढ़ने वाली है, जिससे लोगों की लाइफ स्टाइल और भी अच्छी हो जाएगी। हमारे देश में गरीबी ना के बराबर हो जाएगी। देश के हर कोने में इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सुविधा हो जाएगी। 2050 तक आपको हर इंसान के पास हेलोग्राफी टेक्नोलॉजी वाला सेल फोन दिखने को मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी नई पीढ़ी हमसे ज्यादा एडवांस और विकसित होगी, जिससे देश का विकास और भी अच्छा होगा। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।